काशी में दुनिया के विख्यात संत बागेश्वर धाम सरकार स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के सानिध्य में पितृपक्ष के दौरान काशी में 7 दिवसीय महाश्रीमद् भागवत ज्ञान महापुराण का आयोजन 11 से 18 सितंबर तक किया जाएगा। उत्सव के दौरान 2 दिन 13 और 14 सितंबर को बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा भव्य दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिव्य विभूति का भी वितरण किया जाएगा, जिसका सजीव प्रसारण भी होगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। मेरा नाम नीतेंद्र चौपे है, मैं बागेश्वर धाम सरकार कुछ गोदे भगवान का चरण सेवक आप सभी से बात कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम सर्वप्रथम तो पितृपक्ष में है, 11 सितंबर से 18 सितंबर। जो भी भक्तगण हैं जिन्हें भी पितृदोष है पितृमोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो ऐसे भारतवर्ष के समूचे भारतवर्ष के जो भक्तगण हैं उन्होंने आह्वान किया है कि ऐसा जो हमें पितृदोष है उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए। गुरुदेव भगवान से हमने आह्वान किया, आग्रह किया कि उनके जो पितरों के कारण कष्ट बाधा हो रही है वो दूर हो जाए। तो गुरुदेव भगवान ने फिर ये उनके पावन सानिध्य में काशी बनारस में भगवान विश्वनाथ पावन नगरी में गंगा मैया के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ 108 अष्टोत्तर का मूल पाठ होना है 11 सितंबर से 18 सितंबर। कुछ गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में हम आप सभी उनके मुखारविंद से कथा का रस स्वादन करेंगे, जो कि धर्म संघ में ही कथा का आयोजन होने जा रहा है। कथा का श्रवण हम सभी शाम 4 बजे से 7 बजे तक संस्कार चैनल के माध्यम से करेंगे। 13 तारीख और 14 तारीख को सुबह 9 से 12 दिव्य दरबार, जो गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में दिव्य दरबार लगाया जाता है वो दिव्य दरबार लगेगा यहीं पे। और 15 तारीख को सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की दिव्य चमत्कारी भभूति जो उनके द्वारा दी जाती है वो भी भक्तों को दिव्य भभूति प्राप्त होगी। 108 अष्टोत्तर का जो मूल पाठ है प्रातःकाल ही वो कथा पंडाल में ही होगा, और इसमें आप सभी सवन सभी नगरवासी आप सभी हमारे पत्रकार बंधु सभी साधारण आमंत्रित हैं, विद फैमिली के साथ आप सभी बता रहे हैं और गुरुदेव भगवान के इस पावन सानिध्य में आशीर्वाद प्राप्त करें। हम के महाराज जी हैं तो आप सभी जानते हैं कि लाखों की संख्या में भक्तगण पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ 15 से 20 हज़ार भक्तगण पहुँचने की आशंका है, और इसके लिए हम पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, धर्मशालाएं कर रहे हैं, और यहाँ पे पूरा धर्मशाला हमने बुक किया हुआ है, आसपास की धर्मशालाएं भी हम बुक की। 108 पाठ जो मूल पाठ हो रहे हैं इसमें जो पितृपक्ष में जो हमारे लोग यजमान बन रहे हैं उनके पितरों के निर्मित वो 108 मूल पाठ हो रहे हैं, और इस सनातन धर्म के लिए निरंतर पूज्य गुरुदेव भगवान सनातन धर्म के लिए कार्य करते जा रहे हैं, तो निरंतर सनातन धर्म के लिए है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए है, जिससे लोग सनातन धर्म से जुड़े और जो भटक रहे हैं तो पूज्य गुरुदेव भगवान का कहना है कि सनातन धर्म से लोग जुड़े और सनातन धर्म की एक अपनी ध्वजा पूरे विश्व में फैले। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।